हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटे से गिव अवे की अपडेट देने वाला हूं। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम आए हुए हैं ऑटो बेस्ट एम्पीरियो नारायणा के अंदर आपको दिखाने एक बहुत ही बेहतरीन लग्जरी कार। जो आज हम गाड़ी कवर कर रहे हैं वो बेसिकली कही जाती है स्टेशन वैगन, और आज तक माई कंट्री माई राइड ने स्पेसिफिकली ये वाली गाड़ी, या कहें स्टेशन वैगन गाड़ी, इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं की। तो आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ऑटो बेस्ट एम्पीरियो पे आपको वैरायटीज ऑफ लग्जरी कार मिलती है, और हमेशा से ही हम आपको इनका स्टॉक रेगुलरली दिखाते हैं। तो आज का गिव अवे कुछ इस प्रकार है दोस्तों, कि आप में से जो भी भाई, जो भी 5 लकी विनर मैं चुनूंगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में से, आपको ये बताना है कि इंडिया की फर्स्ट 3 स्टेशन वैगन कार कौन सी थी। पहली 3 गाड़ियां जो स्टेशन वैगन लॉन्च हुई थी इंडिया के अंदर, उनका आपको नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, और आपको हैशटैग यूज करना है कमेंट सेक्शन में, हैशटैग माई कंट्री माई राइड, हैशटैग ऑटो बेस्ट एम्पीरियो, और उसके साथ अपना आंसर लिखना है और अपनी ईमेल आईडी भी लिखनी है। ईमेल आईडी आप इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो भी लकी विनर होंगे, क्योंकि टॉप 5 लकी विनर हम चुनेंगे और उनको ऑटो बेस्ट एम्पीरियो की तरफ से मिलेंगे गिफ्ट हैम्पर। अब गिफ्ट हैम्पर क्या होंगे वो आपके पास जब पहुंच जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। बहुत ही अच्छे गिफ्ट हैम्पर हैं गिव अवे के तौर पे, जो माई कंट्री माई राइड ऑटो बेस्ट एम्पीरियो के साथ मिलके आपको भेजेगा। तो देर किस बात की है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाना और भर मार कमेंट करो, क्योंकि 5 लकी विनर होंगे इसी वीडियो के, जिनको हम चुन के डिक्लेयर करेंगे अपने इंस्टाग्राम पे उनके रिजल्ट कि कौन कौन है लकी विनर। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि आज की जो गाड़ी है वो है वॉल्वो V90 क्रॉस कंट्री। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1 गो। यो एवरीवन, दिस इज इरफान एंड वेलकम टू माय कंट्री माय राइड। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री माय राइड के एक और व्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं ऑटो बेस्ट एम्पीरियो, और ऑटो बेस्ट एम्पीरियो आना हमारा क्यों होता है, क्योंकि हमेशा ही आपने देखा है कि ऑटो बेस्ट एम्पीरियो से हम आपके लिए लेके आते रहते हैं एक से एक यूनिक कार, क्योंकि ऑटो बेस्ट शुरू से ही जाना गया है माय कंट्री माय राइड के साथ, जब से ही हमने इनकी वीडियो बनानी शुरू करी है, एक से एक यूनिक गाड़ियाँ इनके स्टॉक में आती रहती हैं। तो उसी कड़ी में आज एक बहुत ही यूनिक गाड़ी आई हुई है, जो आज तक मैंने अपने चैनल पे कभी भी फीचर नहीं करी। उस गाड़ी का नाम है वॉल्वो V90, और हमारे साथ है नमन। Hey guys, this is नमन from Auto Best Imperio. नमन, ये गाड़ी बहुत खास है आपके स्टॉक से, कि यार पहले तो बता दूं, मेरे को ना इसको ड्राइव करते हुए इतना अच्छा फील हो रहा है ना, मन नहीं कर रहा उतरने का मेरा। सही बता रहा हूँ दोस्तों, कि हमें तकरीबन कितना टाइम हो गया होगा अभी ड्राइव करते करते, हमें हाफ एन आवर होने वाला होगा, आधा घंटा हो गया हमें ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ा सा फील ले रहे हैं गाड़ी का, क्योंकि हमारा मन ही नहीं कर रहा इस गाड़ी से उतरने का, क्योंकि इतनी अमेजिंग गाड़ी है ना, इतनी अमेजिंग है इसमें, कि मतलब आप ये कहो कि अगर आपको फैमिली के लिए कोई गाड़ी चाहिए ना लॉन्ग रूट पे जाने के लिए, तो इससे बेस्ट कार मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक तो फील नहीं करी। आप फैमिली क्या, फ्रेंड्स क्या, किसी के साथ भी जाओ, मतलब गाड़ी ऐसी है कि क्या बताएं, वर्ड्स नहीं उसके लिए। ये अवेलेबल है एट ऑटो बेस्ट एम्पीरियो शोरूम। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1 गो। ओके दोस्तों, तो अभी ज़रा हम लोग गाड़ी से उतर चुके हैं, और अब आपको दिखाते हैं जो गाड़ी हमारे सामने खड़ी है। सही बता रहा हूँ कि मेरे को इस गाड़ी से प्यार हो गया है। नमन, आपका क्या कहना है इस गाड़ी के बारे में, आपने तो पहले बेची होगी वाली। सेम व्यूज़ है मेरे भी। सेम व्यूज़ है, बिल्कुल सेम है। अब ये देखो, मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। सो दिस इज़ वॉल्वो V90, यानी 90 क्रॉस कंट्री, टॉप मॉडल है ये, मतलब टॉप एंड वेरियंट है, और इस जो शेप को कहते हैं, अगर आप ये शेप देखोगे, आपने वॉल्वो की XC90 भी देखी होगी, 40 भी देखी होगी, बट ये वाली जो शेप है ना, ये
ये जो लंबाई है जो आपको दिख रही है, इसको कहते हैं स्टेशन वैगन, बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ एसयूवी एंड सेडान। अब उसे इसलिए भी कहा जाता है स्टेशन वैगन क्योंकि जो जो पीछे का ये जो आपको स्पेस मिल रहा है ना, आपको ऐसा लगता है कि ये 7 सीटर कार है, पर ये 7 सीटर तो नहीं है, ये 5 सीटर है। 5 सीटर है। अब पीछे से देखो यार, इतनी अमेजिंग है ना, जितनी बाहर से ये दिखने में खूबसूरत है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा अंदर से कंफर्टेबल है। तो ये देखिए लाइटें, अभी ज़रा लाइट जला के दिखाते हैं एक बार चाबी से। V90 की यहाँ ब्रांडिंग है, इधर वॉल्वो लिखा हुआ है, और जो क्रॉस कंट्री है, क्रॉस कंट्री की अगर आपको ब्रांडिंग दिखे तो वो आप इधर देख सकते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना है फिर पीछे वाले जो लाइट्स हैं? ये जो लाइट्स हैं इनको हम कहते हैं थॉर हैमर लाइट्स, ठीक है, मतलब इनकी जो शेप है उसके अकॉर्डिंग है। बाकी पूरी ऊपर तक कवर करती है, नीचे तक मतलब प्रॉपर व्यू देती है गाड़ी का, और मतलब ऐसी है कि मतलब फील भी है गाड़ी में, लुक भी है, सब कुछ है, गाड़ी मतलब परफेक्ट कार है। और जो पीछे का जो बूट स्पेस है, अब आपको वो दिखाते हैं कि वो कितना मैसिव है और वो किन लोगों के लिए परफेक्ट रहता है, जिनके पास लगेज ज़्यादा रहता है, स्पेशली जो लोग गोल्फ खेलते हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मानी जाती है अच्छी गाड़ी और रिलायबल गाड़ी। तो अभी आप ये देख लीजिए, ये है कुछ अंदर से स्पेस इस गाड़ी का। तो अभी इसमें मैट भी डला हुआ है। बाकी ये जो इधर आप इधर देखेंगे, तो इधर इसके अंदर आपको यहाँ पे बटन मिलते हैं इस तरफ, जो कि सीट को फोल्ड कर देते हैं। यानी अगर आप ये बटन दबाएंगे जैसे नमन, तो आप इधर देखिए, ये देखिए कितनी तेज़ जाती है यार। और उसके बाद अगर ये वाली भी सीट अगर चली गई, तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा मैसिव स्पेस बन गया है। इंटरनेशनल यानी अगर आप फॉरेन में बात करें, तो फॉरेन में सबसे ज़्यादा लोग यही गाड़ी यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टेशन वैगन। आगे कोई ड्राइवर चला रहा है ना, पीछे पूरा लेट के भी जा सकते हैं, इतना स्पेस हो चुका है। बट इंटरनेशनल में लोग इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज कि इसमें आपको लगेज के साथ साथ कुछ भी चीज़ कैरी करनी, क्योंकि ड्राइव उनकी ऐसी होती है, कभी कहीं जाना है बाहर, कभी किसी मीटिंग के लिए जाना है, गोल्फ खेल लिया, वो तो वहाँ पे तो वैसे भी ज़्यादातर ये सब चीज़ें होती हैं। सही बात है। तो इस वजह से जो इसका मोटिव है बेसिकली, उसके लिए यूज़ होती है गाड़ी। तो ये है कुछ इसका बूट स्पेस, और यहाँ पे लॉक का बटन दिया हुआ है, अब स्मूथली ये बंद हो जाएगी। तो ये देख पा रहे हैं दोस्तों, अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग है ये गाड़ी। अब इसके अगर आप अलॉय व्हील्स देखना चाहो तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंडीशन बिल्कुल ओके है, जैसे कि ऑटो बेस जाना जाता है अपनी गाड़ियों की कंडीशन के लिए और रिलायबिलिटी के लिए। सो दिस इज़ 235/50R19 स्टॉक अलॉय। और इधर से अगर हम देखें, मैनुअल कर्टन्स मिलते हैं, राइट? मैनुअल डोर की फिनिशिंग भी आप देख लो। ऑडियो मिलता है हमें बॉज एंड विल्किंस का, ठीक है भाई। ये तो बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट का जो ऑडियो सिस्टम है वो आपको मिल रहा है। बाकी इधर से अच्छा नमन, ये जो कलर है सीट्स का, इसको हम क्या कहेंगे? इसे डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन। सीट की कंडीशन बिल्कुल आपके सामने है, गाड़ी बिल्कुल एज गुड एज न्यू है। तो ये भी आप देख सकते हैं। और एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ऊपर देखो आप। सो दिस इज ऑल पैनोरामिक सनरूफ, जिसके अंदर आपको पूरा ग्लास टॉप दिखता है। और जो सीट की जो शेप है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसकी, थोड़ी सी स्पोर्टी लुक वाली भी है और नॉर्मल कंफर्टेबल सीट्स हैं। बेसिकली बात ये है, आप बेशक स्पोर्टी कह लो या कैसी भी कह लो, सीट ना कंफर्टेबल होनी चाहिए ड्राइव, तभी आपकी परफेक्ट हो पाती है, नहीं तो ड्राइव करने का कोई फायदा नहीं है, लॉन्ग रूट पर जाने का कोई फायदा नहीं है। जो सीट्स कंफर्टेबल है उसी में फायदा है। इसकी कंफर्टेबिलिटी एक और चीज़ है, इस सीट में आता है मसाजर्स भी आते हैं। देखिए एक बार कहाँ पे मसाजर, ये मसाजर्स का बटन है, इसको ऊपर को पुश करेंगे मसाजर्स ऑन हो जाएंगे आपकी बैक पे, ठीक है। हीट एंड कूल सीट्स हैं, मतलब ठंड है तो गर्म कर ली सीट, अगर गर्मी है तो ठंडी कर ली सीट। तो अभी आपको दिखाता हूँ ये जो सीट है, जो ठंडी गर्म की बात हो रहा है उसकी क्या क्वालिटी है। तो ये आप देख लो, परफ्यूरेटेड सीट्स हैं इसकी। सो दिस इज द सीट। अब ये दूसरी वाली सीट भी आप देख लो, और इधर से जो व्यू है ये बहुत अमेजिंग है। एक चीज़ है, इसका जो स्टेयरिंग व्हील है स्पेशली, वो आप देखो तो काफ़ी यूनिक लगता है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी अभी नमन इसे स्टार्ट करते हैं, तो अभी हम फ्रंट से देखते हैं कि जो फ्रंट से जो स्टार्ट होने के बाद इस गाड़ी की क्या लुक आती है। कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है यार, मतलब देख के दिल खुश हो रहा है, ऐसी है ये गाड़ी। दिस इज़ ऑल व्हील ड्राइव, राइट नमन? या ऑल व्हील ड्राइव। ओके दोस्तों, तो अब मैं बैठ चुका हूँ वॉल्वो V90 की ड्राइविंग सीट पे, और इस गाड़ी में बैठने के बाद आपको पूरा फील आएगा कि आप एक प्रीमियम गाड़ी में बैठे हैं और आपने पैसे खर्चे हुए हैं। बट ऑटो बेस्ट इम्पीरियो हमेशा से जाना गया है कम पैसे खर्चवा के आपको प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी दिलवाना, यानी लेस ड्रिवन गाड़ी, जो इनकी हमेशा से USP रही है। तो ये भी एक लेस ड्रिवन कार है जो चली हुई है सिर्फ 26,662 किलोमीटर। अब इस गाड़ी के अंदर हर चीज़ यूनिक है, यानी इसका स्टार्ट करने का जो बटन है वो भी बहुत यूनिक है, वैसे कर रहा हूँ मैं। तो ये होगी स्टार्ट।
इसके अंदर सारे फीचर आते हैं दोस्तों, जितने आप सोच सकते हो ना वो सारे फीचर हैं इस गाड़ी के अंदर। बट उससे पहले मैं इसकी ड्राइव लूँगा, तो इसके अंदर 360 कैमरा भी है। तो ये आप देख रहे हो पूरी गाड़ी की जो आपको इमेज है वो पूरी इमेज मिल रही है, मतलब रोड की इतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है नमन या नहीं, बिल्कुल मतलब आपको पत्ते हर चीज़ दिखती है कि भाई क्या कैसे मतलब ड्राइविंग इतनी ईजी हो जाती है उससे। तो अभी हम ले रहे हैं इसकी ड्राइव, तो सिटी ड्राइव है, तो इसके अंदर जो इसका स्पीडोमीटर है वो ऑल डिजिटल है, मतलब डिजिटल स्पीडोमीटर है, कुछ भी इसके अंदर मैनुअल चीज़ नहीं है। बाकी इसके अंदर आपको पेडल शिफ्ट तक मिल रहे हैं जो कि आप इधर देख पा रहे हैं। और नमन इसके अंदर और क्या क्या बेस्ट फीचर हो सकते हैं वैसे? ये आपके सारे फीचर्स यहाँ पे भी लिस्टेड हैं, ये आप ये सारे देख सकते हैं इसमें भी। अब इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर हैं, जैसे कुछ जो बेसिक फीचर्स हैं जैसे हम वो बता सकते हैं, जैसे एक अपना इसका आता है फॉलो फीचर। मान लीजिए जैसे हम कार ड्राइव कर रहे हैं, हमें कोई आगे कार जा रही है उसको फॉलो करना है, तो हम एक उसका उस पर सेट कर देंगे कि ये कार है इसको फॉलो करना है, तो ये गाड़ी अपने आप फॉलो करेगी। आपको स्टेयरिंग भी नहीं हिलाना, आपने बस ब्रेक दबानी है, रेस दबानी हल्की हल्की वो भी, और बाकी स्टेयरिंग वगैरह सब ये अपने आप हैंडल करेगी कार। ये जो फीचर है ये बेसिकली यूज करा जाता है हाईवेज पे। मान लीजिए अच्छा। जैसे कोई फैमिली जा रही है, हाँ। किसी को पीछे रास्ता नहीं पता, तो ऐसी रोड्स पे चलता है जो क्लियर हो, जो सीधी हो, लेन वाली सड़क हो ना उस पे प्रॉपर्ली वर्क करता है ये। ब्रेक भी अपने आप ही दबा देगी अपने आप, मतलब अगर जब आगे वाली जैसे आपकी कार रुकी ना तो उसके अकॉर्डिंग ब्रेक दबा देगी। दोस्तों इसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर है, मतलब बहुत मामूली फीचर है इसके अंदर। 360 कैमरा और गाड़ियों में बहुत हाई फीचर होते होंगे, बट इसके अंदर 360 के साथ साथ फॉलो मोड हो गया, ऑटो पार्क असिस्ट हो गया। फीचर एक और आता है कि आपके जो साइड मिरर्स हैं, हम इस फीचर को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। मान लीजिए आप रात को अंधेरा है कहीं आप ड्राइव कर रहे हो, पीछे जो कार आ रही है उसकी हेडलाइट वगैरह कुछ नहीं जल रही है, बट वो आएगी तो आपको ऑब्वियस सी बात है ओवरटेक करने के लिए अगर, तो आपको जगह देनी पड़ेगी, आपको पता कैसे चलेगा? सही बात। जो आपका साइड मिरर है, साइड में एक छोटी सी रेड कलर की लाइट आती है जो ब्लिंक करनी शुरू कर देती है, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि कोई पीछे आ रहा है। भाई मैं अभी इसे लोकली ड्राइव कर रहा हूँ और मेरा इस गाड़ी से मन नहीं भर रहा है। पिछले एक घंटे से पहले नमन चला रहे थे, अब मैं चला रहा हूँ, मुझे वहाँ बैठ के भी बहुत अच्छा लग रहा था और यहाँ बैठ के तो इतना अमेजिंग फील हो रहा है। मतलब लाइट स्टेयरिंग है, वेदर बहुत अच्छा है, हालांकि अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था लेकिन अब मौसम बढ़िया हो गया लग रहा है। गाड़ी देख के मौसम में भी रंग बदल दिया यार, बहुत अमेजिंग गाड़ी है दोस्तों। मैंने दुनिया भर की गाड़ी चला ली लेकिन वॉल्वो V90 आज चला के ना, मतलब स्टेशन वैगन गाड़ी चला के, वॉल्वो का मैं शुरू से लवर रहा हूँ, बट इस गाड़ी को चला के आज ऐसा लगा कि नहीं लाइफ सेट हो गई, लाइफ सेट हो गई। अब सर तो पार्क असिस्ट आ गया इसमें, नॉर्मली जैसे हमारे पार्किंग सेंसर्स वगैरह ऑन हो जाते हैं ये उसका है बेसिक फीचर। क्या एक आपका डिस्टेंस अलर्ट आता है, मान लीजिए आप कार आगे चल रही है कोई, आप ये कार ड्राइव कर रहे हैं, बहुत कम डिस्टेंस रह गया है तो ये एक ब्लिंकर ऑन कर देगा कि ऐसे आपको एक अलार्म सा बजने लग जाएगा कि भाई ये आगे को ब्लिंक वो होने वाली है, ठीक है। सेकेंडली फिर उसके बाद आपका कैमरास का आ जाता है नॉर्मली, ये 360 की कैमरा है। बाकी एसी तो पार्क इन का फीचर होता है इसमें, ऑटो पार्किंग का, ठीक है, जिसे हम ऑटो पार्किंग कहते हैं। ये पार्क इन, ये पार्क आउट, ठीक है। ये हेडरेस्ट फोल्ड आप एक बार पीछे कैमरा करोगे, मैं इसको एक बार क्लिक करूंगा फिर देखना ये यहीं से फीचर है हेडरेस्ट फोल्ड करने का। अच्छा चलिए ठीक है। अब एक हेडसअप डिस्प्ले का फीचर होता है, आपको वहाँ मिरर पे जो आप जो कार ड्राइव कर रहे हैं ना उसी को दिखेगा कि कितने किलोमीटर्स हैं, कोई वार्निंग सिग्नल है, सब कुछ वहाँ आ जाता है। बिल्कुल। अब इसके अंदर मेरे को लग रहा है कॉकपिट नेविगेशन भी है। कॉकपिट नेविगेशन भी है, नॉर्मल नेविगेशन दोनों है। अभी जो किलोमीटर ये चली हुई है वो भी आप देख लो, 26,663 किलोमीटर। और दिस इज ऑल डिजिटल दोस्तों, और यहाँ पे आप इधर देख पा रहे हो ये सारे कंट्रोल हैं, इधर भी उधर भी। और जो मसाजिंग जो फीचर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस गाड़ी के अंदर, जो मसाजिंग फीचर है वो वहाँ से तो है लेकिन यहाँ से आप देखिए, ये मसाजर है, ये अभी ऑफ है, ये मैंने ऑन कर दिया। ओके। ये इसके अलग अलग उसके मोड्स हैं, ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी भी मैं हाई कर देता हूँ। जबरदस्त आ रहा है ना फील, फील आ रहा है गाड़ी में बैठने का मज़ा ही अब है। मतलब आप ये मानो दोस्तों कि मतलब मसाज इस टाइम ऑन कर रखी है और ऐसा लगता है कि बस ऑन ही रहे इस गाड़ी का, मतलब इस गाड़ी का पूरा मतलब पैसे वसूल हो जाएंगे भाई, जिसने भी ले ली या जिसने भी रखी थी या जो भी लोग अभी इसे ऑन करते हैं तो उनको वॉल्वो के बारे में पता होगा। आप भी कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आप क्या खास बात जानते हैं वॉल्वो के बारे में। अब ज़रा ऑडियो सिस्टम की बात कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव लगा हुआ है। ऑडियो जो इसमें है वो है बॉवर्स एंड विल्किंस का। ओके okay. जो वॉल्वो का ऑडियो आता है वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो होता है। एक बार कनेक्ट करेंगे अपने फोन। स्पीकर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए एक तो इधर है डोर में और इधर,
ऑडियो में भी पास, मन नहीं कर रहा था धीरे करने का। सही में भाई ऑडियो में भी बहुत अच्छा है। अब एक लास्ट चीज़ जो इसकी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो मतलब मैं इसे एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि थोड़ी सी इसे एक्सलेट करके देखना चाहता हूँ कि अगर ये गाड़ी कंफर्ट के साथ क्या भागने में भी है, क्या कहते हो? बिल्कुल होगी, काबिल चीज़ में है यार, ऐसा कोई वो थोड़ी, मतलब हर चीज़ में एक लेवल ऊपर है इसको। चलिए ठीक है, अब लेवल चेक करते हैं। अब ये देखो आप, ठीक है अब ये ठीक है, कितने हो गए? ये होगी 70। अभी कुछ भी नहीं किया मैंने इस पर, कुछ भी मतलब इन देंस कि पूरा एक्सलेट भी नहीं किया गाड़ी को, और 70-80 यूँ चली जाती है। चलाने में बहुत अमेजिंग है, ठीक है, ड्राइव क्वालिटी बहुत अच्छी है गाड़ी की, गाड़ी का कुछ भी नहीं बिगड़ा हुआ, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है और अवेलेबल है आप सबके लिए ऑटो बेस्ट इम्पीरियो पे फॉर सेल। अब एक लास्ट एक बार पंच मार के देखते हैं, तो अभी ये चल रही है 40 पे, ठीक है, तो अभी ये देखो एकदम से एक डीप पंच आया, एक्सलेटर दिया, ये देखो ये देखो, सो दिस इज 100, अमेजिंग, और कंट्रोलिंग जबरदस्त। अगर इसे मतलब वाले मोड पे लगा दिया, फॉलो मोड पे, अगर आगे वाला 100 से ऊपर जा रहा है तो ये भी 100 पे जाएगी फिर तो है, लेकिन नहीं बहुत स्मूथ बहुत है, मतलब डीजल इंजन होने के बावजूद भी, मतलब अभी हम इतनी जितने भी स्पीड में थे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि बहुत तेज चल रही है। देखो ना ये देखो जो थंप है गाड़ी का, अभी मैं बता रहा हूँ मैंने एक्सलेटर नहीं दे रखा, मैंने पूरा नहीं दे रखा, बट ये लेकिन परफॉर्म कर रही है। फटाफट डिटेल करवाओ, बहुत लंबा टाइम हो गया, सारे फीचर बता दिए, अब इसकी पूरी स्पेक्स बता दो। ये जो कार है हमारी, ये है वॉल्वो V90 क्रॉस कंट्री, ओके, और ये है 2017 की मैन्युफैक्चर्ड, 18 की रजिस्टर्ड, ठीक है, एंड जैसे कि कम चली वाला टारगेट है ही, सही है, 26,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है ओनली, ओके, जो कि इस गाड़ी के लिए कुछ मैटर नहीं करता। एंड इसकी जो डिमांड है, आस्किंग प्राइस है, वो है 36,50,000 ओनली। और जो ये कार है ये सेकेंड ऑनर कार है। और रजिस्ट्रेशन कहाँ की है? रजिस्ट्रेशन गुड़गांव रजिस्टर्ड, गुड़गांव रजिस्टर्ड कार है। और नई गाड़ी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो नई गाड़ी तकरीबन आपको 60 लाख प्लस मिलती है, यही वाले वेरिएंट जो इस टाइम हम चला रहे हैं, सो दिस इज़ द टॉप एंड वेरिएंट। तो अगर आपको डील क्रैक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में ऑटो बेस्ट इंपीरियो की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, नहीं तो आप विजिट भी कर सकते हैं शोरूम पे, 7 डेज ओपन है ऑटो बेस्ट, और हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि कैसी लगी आज की आपको ये वीडियो। तो इसी के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम टेक केयर, बाय एंड सी यू।